Good evening, sir. Good evening, ma'am. लेकिन ये गिरा कैसे? अरे कोई प्रिया को बुलाओ जल्दी। राधिका के पास नंबर है, उसे बुलाओ। अरे अरे बहन जी प्रिया का फोन करो जल्दी से। अरे आदित्य है, अरे प्रिया का फोन करो प्लीज, जल्दी फोन करो। अरे ये तो प्रिया का है, किसी के पास तो नंबर होगा उसका। ये तो छठे माले वाला है बहन जी। अरे मैडम किसी के पास नंबर होगा उसका, फोन करो इन पुलिस को। आदित्य जाके देखिए उसने क्या देखा था, उसने क्या सुना था और उसके पहले उसने क्या देखा था। कौन अंदर आया था, कौन बाहर गया था, किसने एंट्री ली थी, किसने एग्जिट ली थी, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट हर एक सवाल जो क्राइम सीन पर मौजूद लोगों को आप पूछते हैं आपको आइडिया देता है कि क्या हुआ होगा। और सीसीटीवी हर जवाब का पुष्टिकरण करता है। एक्चुअली हर बिल्डिंग में, मोहल्ले में, हर जगह सीसीटीवी कंपल्सरी होना चाहिए। तो उस बिल्डिंग कंपाउंड में कोई सीसीटीवी था जिसमें यह हादसा रिकॉर्ड हुआ हो, जिससे यह पता चले कि उस 6 फ्लोर से गिरा कैसे? नहीं, कंपाउंड में सीसीटीवी नहीं था, पर सोसाइटी के लॉबी में सीसीटीवी था। लेकिन 6 फ्लोर के उस फ्लैट के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो और भी भयंकर था। सर मैंने बॉडी गिरने की आवाज सुनी और तुरंत लोगों का चिल्लाना सुना। उठा और भागकर आया तो देखा आदित्य सर ऐसे पड़े हुए थे। सर आदित्य की वाइफ प्रिया फोन नहीं उठा रही है। सर 601 के सामने वाले फ्लैट में रहने वाली बता रही है कि विक्टिम की पत्नी प्रिया ना तो फोन उठा रही, ना ही घर का दरवाजा खोल रही है। घर में और कौन है? बस उनका बेटा आकाश। हेमंत, 2 लोगों को सोसाइटी मेन एंट्रेंस पर भेज देना। वॉचमैन का रजिस्टर चेक करो कौन कौन आया था। तब तक मैं टीम को लेकर ऊपर जाता हूँ, आप भी चलिए। सर वो 3rd फ्लोर वाली स्मिता का कॉल आया था और हमने तुरंत बेल बजाई। लेकिन सर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, हमने आवाज भी दी और अब प्रिया भी फोन नहीं उठा रही है। और कौन गया था ऊपर? सर बिल्डिंग में सामने से कोई नहीं आया, इतना पक्का है। 100% पक्का है ना? हरदम नजर रखता है घर पर, जबकि तो नहीं मारता। नहीं सर, मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ। रोहित एक काम करो, 1-2 लोगों को अपने साथ में लो, बिल्डिंग के मेन गेट पर और बैक साइड में चेक करो। जाओ। जी सर। मुश्ताक रजिस्टर चेक करवा। सर मैं ऑफिस खुलवाकर आपको लॉबी की सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ, जल्दी कीजिए। सर ठीक 8:35 पर आदित्य सर और प्रिया मैम लॉबी में दाखिल हुए। सर मुझे एक डिटेल अच्छी तरह याद रहती है। आकाश उनके साथ नहीं था। तो आकाश अभी भी फ्लैट के अंदर है? सर वो तो मैं नहीं बोल सकता, मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू हुई थी सर, और उसके बाद ना मैंने आकाश को बिल्डिंग से बाहर जाते देखा है, ना ही अंदर आते। सर ये आज की एंट्री है सर। सर प्रिया का फोन अभी भी रिंग हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही है। टेरेस ठीक है, मैं टेरेस पर जाकर देखता हूँ। इस आदित्य और प्रिया का कोई रिलेटिव यहाँ बेलगांव में रहता है? आदित्य और प्रिया दोनों के पेरेंट्स यहाँ बेलगांव में रहते हैं। मगर सर हमारे को उनका एड्रेस नहीं मालूम और ना ही फोन नंबर। सर मैं टेरेस पर जाकर देखता हूँ। ठीक है। एक एंट्री और एग्जिट है सर, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, उसकी एग्जिट 9:25 की लिखी हुई है और वॉचमैन कह रहा है कि उसने बॉडी गिरने की आवाज़ ठीक 9:35 को सुनी थी। और सर सोसाइटी ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज अभी आ रहा है। सबसे पहले ताला तोड़ने वाले को बुला लेना, आदित्य राव का डबल डोर है, खुलवाना पड़ेगा। और हाँ, फॉरेंसिक वाले को अर्जेंट बुला लेना। ओके सर। ललित, ताला तोड़ने वाले को बुलाओ जल्दी, फास्ट। अगर कोई अंदर गया है तो टेरेस से उतर कर भाग सकता है इधर से। अगर ऐसा है तो अब तक वो भाग भी चुका होगा। सर ये टेरेस हमेशा बंद रहती है। हाँ वो दिख रहा है। जल्दी करो सर, फुटेज रेडी है। मैंने फर्स्ट शिफ्ट के वॉचमैन बाबू को भी बुला लिया है। ठीक है चलिए। अब ये डबल डोर है और लॉक भी काफी मजबूत है, इसलिए खुलने में टाइम लग रहा है। जितने जल्दी खोल सकते हो उतने जल्दी खोलो। सर इसके बाद ही वो पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का आया था, जानता हूं मैं उसे, संतोष पुजारी नाम है उसका। देखते हैं वो बिल्डिंग के बाहर निकला भी या नहीं। वो रहा सर। तुमने पक्का बॉडी गिरने की आवाज 9:35 को सुनी थी? जी हाँ सर। सर ठीक इसी वक्त मैंने आवाज सुनी सर, मैं तुरंत भागा। सब दूसरा वाला ट्राई करता हूं। सब ये लॉक बहुत मजबूत है, इसलिए खुलने में टाइम लग रहा है। पता नहीं घर के अंदर क्या हुआ होगा। काम करते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं। ए, तोड़। चेक करो इनका बेटा आकाश कहाँ है। अंदर के रूम में तो कुछ नहीं मिला सर। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। बालकनी का दरवाजा खुला है, लगता है ये बंदा आदित्य राव बालकनी से गिरा है या तो गिराया गया है। तो फिर इनका बेटा आकाश कहाँ होगा सर? किचन से कुछ मिला नहीं सर। इनका बेटा आकाश कहाँ हो सकता है? पता नहीं सर। यहाँ पर 2 फोन पड़े हैं। प्रिया और आदित्य के नंबर डायल कीजिए, हो सकता है ये 2 फोन उन्हीं के हो। प्रिया राव के फ़ोन से एक कॉल हुआ है 6:30 बजे, शायद उसकी माँ या सास को। नंबर मम्मी के नाम से सेव्ड है, नंबर मिलाओ। सर ये बाबू है, मेरे पहले इसी की ड्यूटी रहती है। इनका बेटा आकाश किधर होगा? घर में तो नहीं मिला। जसविंदर की टीचर बता रही थी कि जसविंदर अभी नहीं सीखे। हम तो जी अमृतसर से आए। चाय चाय बनाना और ठंडा पानी शरबत क्या? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? भगवती शास्त्री बात कर रही हूँ। आप कौन? आप प्रिया राव की माँ हूँ उसकी। आप कौन? क्या बात है? पुलिस, हम आपकी बेटी के घर पर हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आदित्य और प्रिया का बेटा आकाश इस वक्त कहाँ पर है? आकाश तो मेरे साथ ही है, मेरे घर में। बात क्या है? भगवती जी, आपकी बेटी के घर पर एक हादसा हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ भगवती, क्या हुआ भगवती? किसका फोन था? अरे बोलो तो सही भगवती। सब रोज की तरह प्रिया मैडम आकाश को दोपहर में स्कूल से लेके आई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसको ऑफिस लेके गई। ये उनका डेली का है साहब। प्रिया मैम आकाश को स्कूल से दोपहर में लेके आती और फिर कहीं पर छोड़ देती, शायद उनके माँ के घर पे छोड़ती होगी। और फिर शाम को जब आदित्य सर और मैडम साथ में आते, वो आकाश को साथ में लेके आते। पर सर आज सिर्फ आदित्य सर और मैम वापस लौटे, आकाश उनके साथ नहीं था। सर आकाश ट्रेस हो गया, प्रिया राव के माँ बाप के घर पर है। यहाँ काफी टाइम लगेगा, काफी कुछ है जिसके प्रिंट उठाने। किचन फ्लोर पर केरोसिन भी है, सारे फिंगरप्रिंट्स स्कैन करने होंगे। अगर बाहर से कोई अंदर आया है तो किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया? अगर आदित्य राव को ऊपर से धकेला गया है तो वो चिल्लाया क्यों नहीं? इतना बड़ा कांड हो गया और आस पड़ोस में किसी ने कुछ नहीं सुना? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया, ना कोई चिल्लाना ना कोई शोर शराबा, कुछ नहीं सुनाई दिया। उस वक्त हम दोनों टीवी देख रहे थे, उस दौरान अगर कुछ शोर शराबा हुआ होगा तो टीवी की आवाज में सुनाई नहीं दिया होगा। इनफैक्ट सर हमें वो थर्ड फ्लोर वाली स्मिता ने बताया कि आदित्य बालकनी से गिर गया है। मुश्ताक, ये जो पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का है संतोष, उसे तुरंत बुलवाओ। मैं 502 में जाकर देखता हूँ। पिज्जा वहीं डिलीवर हुआ था ना? संतोष का नंबर मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है, मैं तुरंत उसे फोन लगाता हूँ। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस होता है, जिसकी डिटेल स्टडी पर उस इन्वेस्टिगेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। कोई भी क्राइम सीन उस क्राइम के बारे में काफी कुछ कहता है। कई छोटे छोटे सुराग क्राइम सीन पर छुपे हुए रहते हैं, उन्हें मिस करने की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, क्राइम सीन किसी भी सूरत में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो कहते हो तुरंत फॉरेंसिक टीम को हैंडओवर होना चाहिए। तो सर पिज्जा डिलीवरी बॉय प्राइम सस्पेक्ट माना गया होगा, पर डिलीवरी बॉय तो बिल्डिंग से 9:25 पे एग्जिट हो गया था और ठीक 10 मिनट बाद 9:35 पर आदित्य राव के गिरने की आवाज आई थी। हो सकता है पिज्जा डिलीवरी वाले ने पहले उसको मारा हो, उसके बाद उसकी बॉडी को बालकनी की रेलिंग पे छोड़ दिया, फिर उसके 10 मिनट बाद उसकी बॉडी अपने आप वहां से फिसल के गिर गई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कॉज ऑफ डेथ का पता चल गया होगा। हाँ, पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ सामने है और क्राइम सीन पर मिले सबूत और सुराग की वजह से हमें यह पता चला कि उस रात उस फ्लैट में एक्चुअल क्या हुआ होगा। मौत ऊंचाई से गिरने का कारण हुई है, सीवियर हेमरेज और ब्लड लॉस की वजह से। मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं। मैंने इनके कपड़े फॉरेंसिक वालों को हैंड ओवर कर दिया है, पूरे केरोसिन में भीगे हुए थे। विक्टिम के फ्लैट में किचन फ्लोर पर काफी केरोसिन पड़ा था, केरोसिन का कैन भी मिला हमें। विक्टिम की बीवी प्रिया राव बुरी तरह से स्टैब किया है। हाँ, 26 स्टैब्स इन टोटल। प्रिया राव की मौत भी एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है। प्रिया राव के कपड़ों पर भी केरोसिन था? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, फिर भी मैंने इनके कपड़े फॉरेंसिक को भेज दिया है। जिन कपड़ों में ऑफिस से आए थे उन्हीं कपड़ों में इनकी मौत हुई है, सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है। घर पर खाना भी नहीं बना था। दोनों विक्टिम्स के पेट में हमें कोई फूड मटेरियल नहीं मिला। प्रिया राव पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये हादसा हुआ तब इनका बेटा इनके साथ नहीं था। क्यों नानू? मम्मी ने बोला था वो मुझे सुबह पिक करेंगे। आज स्कूल है ना? नहीं बेटा, आज तेरा स्कूल नहीं है। आज स्कूल है नानू, आपको नहीं पता। आप फोन दो ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। फोन दो। नहीं लगाओगे? ठीक है नहीं लग। कहाँ है फोन? फोन नहीं लग रहा। नहीं कहा आकाश से कुछ। क्या बात तुम्हें उससे? मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे मेरे बेटे को देखना है। ये हुआ कैसे? ये कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी हम आपको कुछ कह नहीं सकते। हम चेक कर रहे हैं कि सोसाइटी में कौन आया, कौन गया, कितने बजे कौन निकला। भगवती जी, आपकी बेटी प्रिया ने जब आपको 6:30 बजे शाम को कॉल किया था तो उन्होंने कुछ कहा था आपसे कि घर में कोई आने वाला है या कुछ और? ऐसे तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि कुछ काम है। मम्मी, आप आज रात आकाश को अपने पास रख लेंगी? मुझे कुछ काम है। ये भी कोई पूछने वाली बात है प्रिया? और देख, अगर तुझे लेट होने वाला है ना तो आदित्य को बोल हमारे साथ यहीं डिनर कर ले। नहीं नहीं मम्मी, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगा। हम मैनेज कर लेंगे। आप बस आकाश को रख लेना और मैं ना कल सुबह जल्दी आकर उसे पिक कर लूँगी। उसका स्कूल यूनिफॉर्म भी साथ ही ले आऊँगी तो वहीं से उसे स्कूल भी ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है? इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। प्रिया ने कहा कि उसे कुछ काम था, लेकिन हमने वॉचमैन के रजिस्टर और CCTV फुटेज में चेक किया। आपकी बेटी और दामाद 8:35 को घर पर आ गए थे और प्रिया रोज भी तो आकाश को आपके घर से लेकर इसी टाइम पर आ जाती थी। मुझे नहीं पता उसे क्या काम था। कल आदित्य ने आप लोगों को कोई कॉल किया था? उसके फोन लिस्ट में आप लोगों के नंबर तो नहीं दिखे। उसने हमें कोई फोन नहीं किया था। किया भी होता तो यही कैसे पता चलता कि कैसे हुआ ये सब? सर, वो पिज्जा डिलीवरी बॉय संतोष पुजारी यहाँ आ रहा है, लेकिन सर उसने ना तो अपना फोन स्विच ऑफ किया है और ना ही कहीं भागा। हेमंत, घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि घर में चोरी वोरी हुई होगी। सर, अगर कुछ भी चुराया गया है तो इस बात को वो बच्चा आकाश या आदित्य प्रिया के पेरेंट्स ही बता सकेंगे। घर में ना तो कुछ भी तोड़ा गया है और ना ही कबर्ड्स को खोला गया है। सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ है। ये जो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला लड़का था, जो कि हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, इकलौता सस्पेक्ट, वो वहाँ क्यों गया? तुम इस संतोष से बात करो और उसका बिहेवियर बारीकी से नोट करो। सर, वैसे मुझे डाउट है कि वो लड़का वहां गया होगा। प्रिया राव को 26 बार स्टैप किया है और वो केरोसिन वाला एंगल क्या है जो हमें आदित्य राव के कपड़ों पर भी मिला था? एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का ऐसा क्यों करेगा? तो जो डिलीवरी करने 502 में जाना था ना? जी हाँ सर। तो 601 में कैसे पहुंच गया तू? सर, मैं 6th फ्लोर पर नहीं गया, मैंने सिर्फ 502 में डिलीवरी की और उसके बाद में वापस चला गया। तो तेरे साथ कौन था जिसे तूने अपने पीछे छोड़ दिया था? किसी को भी नहीं सर, वहाँ कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेला ही गया था। बाकी डिलीवरी चलान भी आप देख सकते हैं और मैंने सोसाइटी के रजिस्टर में भी साइन किए थे। तुझे डिलीवरी करनी थी 5वें माले पर, तो 6वें माले पर तू कैसे पहुँच गया और किस लिए? सर, मैं नहीं गया था 6ठे माले पर और मैं जाता भी क्यों? मैंने सिर्फ 502 में डिलीवरी की, उसके बाद में वापस लौट गया। बाकी जीवन सोसाइटी में मैं हर बार डिलीवरी करने जाता हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में, वहाँ सब जानते हैं मेरे बारे में। सर, जब हम आपसे कह चुके हैं कि हमने कुछ नहीं सुना तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं क्या सुना क्या सुना? और अगर सर कुछ सुना भी होता तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। सर, आप पूरे दिन की CCTV फुटेज देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अंदर गया और एग्जिट नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा। बाकी तो सभी रेजिडेंट हैं। क्या इस राव फैमिली का अपने ड्राइवर, काम वाली या कोई और वर्कर के साथ कभी अनबन हुई थी या किसी को काम पे से निकाला था? ऐसा तो कुछ नहीं पता सर हमें। आप पूछताछ कीजिए, हमारी 100% कोऑपरेशन आपको रहेगी। वैसे हमारे दोनों वॉचमैन बाबू और मुश्ताक कभी ढीले नहीं रहे। एकदम डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, लेकिन कम से कम 48 घंटे लगेंगे। अमित, कुछ तो दो जिससे हम काम शुरू कर सके। CCTV फुटेज और स्टेटमेंट से फोर्स एंट्री की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। घर के अंदर भी फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं है। घर के दरवाजे तो हम ही ने तोड़े अंदर घुसने के लिए। प्रिया पर चाकू से 26 वार किए गए। आदित्य बालकनी से गिर गया या गिराया गया। जो केरोसिन आदित्य के कपड़ों पर और फ्लोर पर मिला था, थोड़ा अजीब नहीं लगता? अमित, कुछ तो लीड दो केस क्रैक करने के लिए। मैं आपकी अर्जेंसी समझ रहा हूँ, आप दूसरे एंगल से प्रोब जारी रखिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल अपनी फाइंडिंग्स भेजता हूँ। ठीक है सर। वैसे ये जीवन सोसाइटी काफ़ी सिक्योर है, किसी और का बाहर से अंदर आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। हम इस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य और प्रिया दोनों के कॉल या मैसेज रिकॉर्ड में कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर दिख नहीं रहा है। सर, संतोष 5वें माले पर ऑर्डर लेकर गया था, ये कंफर्म है। फिर 6ठे माले पर जाना उसका बनता भी नहीं। अगर किसी गलत इरादे से गया भी हो तो आदित्य और प्रिया उसके लिए अपना दरवाज़ा क्यों खोलेंगे? पर 2 मौतें हुई है, 2 अननेचुरल डेथ, जिसमें से एक 100% मर्डर है। सर, प्रिया ने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा था कि उसे कुछ काम है, वो उस रात आकाश को अपने साथ ही रखे, पर वो रोज़ की तरह टाइम पर लौट आई थी, तो फिर उसने आकाश को पिकअप क्यों नहीं किया? प्रभात, प्रिया के ऑफिस में फ़ोन करके पूछना कि उसे क्या काम था। सर ऑलरेडी मैंने प्रिया के ऑफिस में कॉल किया था, उसकी एक कलीग जो उससे काफ़ी क्लोज थी उसका नंबर टेक्स्ट करने वाले हो मुझे। और सर आदित्य के माँ बाप से भी आदित्य की कलीग का नंबर मिला है, महेश नाम है उसका, मैं उससे बात करता हूँ। हम लोग बाहर ही एंगल टटोल रहे, ऐसा भी तो हो सकता है कि गड़बड़ फ्लैट के अंदर थी, कोई आपसी बात जिसके चलते ये दो दो मौतें हुई हो। सर दोनों के पेरेंट्स से एक बार फिर मुलाकात करते हैं। बेटा मेरी बात तो सुन। आप लोग झूठ बोलते हो, हमें पापा से बात भी नहीं करा। बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी, आप फोन लगाओ। कुछ नहीं हुआ मम्मी पापा को, आप झूठ बोलते हो। मम्मी को फोन लगाना पहले। क्या वो सुसाइड केस था? पर उस औरत की बॉडी पर 26 स्टबिंग के निशान थे, तो सुसाइड कैसे हो सकता है? दोनों विक्टिम्स के बैकग्राउंड ने केस पर कुछ तो रोशनी डाली होगी। अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी थी। पर हाँ, उनकी जिंदगी के डिटेल्स जानकर एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी जो हमें यह बता रही थी कि उस रात फ्लैट में क्या हुआ होगा और क्यों। प्रिया और आदित्य की शादी को अगले महीने 9 साल हो जाते। शादी के बाद 2 साल वो आदित्य के माँ बाप के साथ ही रहे। मतलब इस फ्लैट में वो पिछले 7 साल से रह रहे थे। दोनों जॉब करते थे और टॉप पोजीशन पर थे। आदित्य कंपनी का फाइनेंस हेड था और प्रिया मार्केटिंग की। हाँ ऐसे कुछ था, दोनों लगातार अपने करियर में ऊपर जा रहे थे। क्या आपकी बेटी प्रिया और दामाद आदित्य इन दोनों के बीच कुछ तनाव था, अनबन थी? आकाश बेटा मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, पर हमें बताओ प्लीज, आपके मम्मी पापा आपस में बहुत लड़ते थे? बेटा हाँ लड़ते थे, बहुत लड़ते थे। तुम ड्रॉप कर देना मतलब? आदित्य हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि 1 महीना आकाश को मैं ड्रॉप करूंगी मम्मी के वहां और 1 महीना तुम करोगे अपने लंच ब्रेक में। कल मेरा 1 महीना खत्म हो गया है, सो आज से तुम्हें करना है उसे ड्रॉप। आई कैन डू इट। ये महीना मेरा बहुत बिजी होगा, कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है। यू नो एवरी मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट? या आई नो एवरीथिंग। मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि मैं अकेली सब कुछ हैंडल कैसे करूँ? टाइम मेरे पास भी नहीं है, मीटिंग्स मेरी भी होती, पूरा साउथ रीजन मार्केट हैंडल करती हूँ मैं, जस्ट इन केस तुम भूल गए हो। भूलने दोगी तब भूलूंगा ना, हर छोटी छोटी बात में डेजिग्नेशन अपने टारगेट झाड़ते रहती हो ताकि तुम अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग सको। मतलब आकाश सिर्फ मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बस बस बस, तुम्हारे साथ डिबेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले मैंने ही बोला था, अब मैं ही मना कर रहा हूँ। आई एम सॉरी ओके? ये महीना आकाश को तुम्हें ड्रॉप करना होगा, दैट्स इट। बेटा अगले महीने आई विल ड्रॉप यू ओके? कैन वी लीव नाउ? शादी के तुरंत बाद उन दोनों के बीच सब सही था, लेकिन जैसे जैसे उन्हें प्रमोशन मिलते गए बस घर की शांति धीरे धीरे जाती रही। दोनों में काफी गुस्सा था, हर चीज को कंपटीशन की नजर से देखते थे। अपने अपने ऑफिस की टेंशन्स उन दोनों के बीच की टेंशन को बढ़ावा दे रही थी। उनकी लड़ाइयां में कभी समझ नहीं आती थी। हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं, हमें तो बस इतना समझ में आता है आदमी को ढंग से कमाना आना चाहिए, पत्नी को ढंग से घर चलाना आना चाहिए। ये हर वक्त काम के बारे में सोचना, पैसा प्रमोशन पैसा प्रमोशन, यही बातें करना, ऐसा एम्बिशन हमें समझ नहीं आती। टैक्सी, मैं टैक्सी से जाऊं? हाँ तो क्यों? अरे क्या क्यों, पहले मैं आकाश को ड्रॉप करूं फिर तुम्हें ड्रॉप करूं, ये सब में मुझे रोज लेट होता है। आदित्य तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अच्छा एक काम करते हैं, कल से ना रिवर्स करते हैं, कल से मैं ड्राइव करूंगी, पहले आकाश को ड्रॉप करूंगी फिर तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करूंगी टाइम पर, फिर मैं खुद ऑफिस जाऊंगी और शाम को आते वक्त तुम्हें पिक भी कर लूंगी बिकॉज आई एम अ सुपर वुमन। अब मल्टीटास्किंग की बैंडविड्थ तुम्हें नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। नहीं इसमें वेट ही कर रहा था कि अब तक टॉन्ट आया क्यों नहीं, हमेशा मुझे नीचा दिखाती रही। मैं कोई नीचा वीचा नहीं दिखा रही। तो ये क्या था? तुम पहले अपना एटीट्यूड देखो। तुम्हें पता है ना हमारे बीच में एक अरेंजमेंट हुआ था, वो भी म्यूचुअली, तो उसे फॉलो करने की एटलीस्ट कोशिश तो करो। अरे क्या फॉलो नहीं करता मैं, हमेशा जताती रहती हो कि हर काम में तुमसे बेहतर, मल्टीटास्किंग। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो मेरे मुकाबले में तुम्हारा काम बहुत आसान है। क्या आसान है आदित्य? मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है, ओके? और वही इम्पोर्टेंट काम अच्छे से करने के लिए मुझे इंसेंटिव्स और बोनसेस मिलते हैं, प्रमोशंस मिलती हैं, जिससे तुम क्लियरली ना खुश हो। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट। और तुम जो बिलो द बेल्ट, अबव द बेल्ट, सर से लेकर पैर तक हर रोज हर वक्त खंजर भोंकते रहते हो, उसका क्या? तुम्हारे मुंह से आज तक मेरे लिए कोई भी अप्रिसिएशन का वर्ड निकला है? पता नहीं तुम औरतों को अप्रिसिएशन से इतना अटैचमेंट क्यों होता है? हर बात में क्यों चाहिए तुम्हें अप्रिसिएशन? क्यों तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ, तुम नहीं एक्सपेक्ट करते अप्रिसिएशन? अगर ऐसा है तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इतने तरसते क्यों रहते? रेज, और इस वक्त इम्पॉसिबल। क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो अश्विन, 2 साल से मेरी सैलरी बढ़ी नहीं है। इस ब्रांच में मुझे कोई एक ऐसा बंदा बताओ जिसे रेज मिली हो। See, किसी को मिले नहीं मिले उनका लुकआउट है। I deserve a raise. मेरी इंक्रीमेंट बनती है। तो मेरी नहीं बनती, बाकी लोगों की नहीं बनती। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। सैलरी बढ़ाना कॉर्पोरेट ऑफिस का कॉल है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले 2 सालों में हमारे 4 प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुए, और जो 2 स्टार्ट हुए हैं वो गो स्लो पर है। इन सब प्रॉब्लम को हम साथ मिलकर ओवरकम करेंगे, तभी तो रेस की बात छेड़ सकेंगे उनके साथ। अश्विन, मेरी तरफ से कभी कोई कमी छोड़ी है मैंने? आई नो दैट आदित्य। हुबली प्रोजेक्ट पे तुमने बहुत अच्छा काम किया, वो प्रोजेक्ट जरूर रॉक करेगा। सो लेट्स डिस्कस दैट। अश्विन ठीक कह रहा है यार आदित्य। ये साल हम केवल हुबली प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं और फिर देख स्केल डबल होगा। अरे थोड़ा सा पेशेंस रखा आदित्य। खत्म हो गया मेरा पेशेंस। पेशेंस रोज मुझे मार रहा है, चाकू की तरह गला काटता है मेरा। नहीं होगा मुझसे। आदित्य नाखुश था अपनी सैलरी से? नाखुश तो हम सभी हैं सर। 2 साल से हम में से किसी की सैलरी नहीं बढ़ी है। आदित्य को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी सैलरी 1,10,000 थी और रेज नहीं मिल रहा था, इसीलिए शायद वो अंदर ही अंदर बहुत इम्पेशेंट हो गया था। महेश, क्या ये भी एक वजह थी आदित्य और प्रिया के बीच की बढ़ती दूरियों के लिए? हाँ, उन दोनों के बीच ये एक इशू था। प्रिया 1,50,000 ड्रॉ करती थी और उसका हस्बैंड आदित्य 1,10,000। ऐसा प्रिया ने ही मुझे बताया था। उसे रेज नहीं मिल रही है तो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तुझे पता है वो मेरी सैलरी, मेरी इंक्रीमेंट्स को टारगेट करता है। कहता है मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आसान है। अरे प्रिया, हो सकता है कि उसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा हो। क्यों? लेकिन क्यों? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी उसकी सैलरी या उसकी डेजिग्नेशन को लेकर उसे टॉन्ट नहीं किया है। I'm his wife यार, मैं खुद चाहती हूँ कि वो लाइफ में तरक्की करे। महेश, प्यार व्यार अपनी जगह, एक दूसरे की बेसिक इज्जत करनी होती है ना, वो भी नहीं करती। बट आदित्य ऐसा नहीं है यार। ऐसा ही है बॉस, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, ये बात मुझे कभी भूलने ही नहीं देती। हमेशा पीछे पड़ी रहती है। ग्रोसरी के बिल भरो, इंटरनेट के बिल भरो, स्पोर्ट्स टीवी की चैनल जरूरी है क्या? और तो और आकाश को पिक करो, ड्रॉप करो रोज उसके मम्मी पापा के यहाँ से। पर आदित्य, तू इन सब बातों को बहुत गलत तरीके से ले रहा है यार। इतना स्टूपिड नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे यही जताना चाहती कि हेलो मिस्टर 1,10,000 ओनली, इस घर की बॉस मैं हूँ, क्योंकि तुम्हारी सैलरी मेरे से 40,000 रुपये कम। तुम वो ही करोगे जो मैं बोलूँगी। यार कौन सा ऐसा मर्द होता है जो ये सब बर्दाश्त करेगा? सुन, एक बार कूल डाउन होकर अच्छे ठंडे दिमाग से ये सारे मैटर को सॉल्व करने के इरादे से उसके साथ बैठकर बात कर और ये सारे टॉपिक डिस्कस कर। अरे डिस्कशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यार। डिस्कशन कभी एक तरफा नहीं हो सकता संध्या। और एक दीवार के साथ आप क्या डिस्कस करोगे? आदित्य इस इश्यू को लेकर एक दीवार बन गया है। वो कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, बस स्टेटमेंट्स इश्यू करता है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी मीटिंग्स हैं। बेसिकली वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि बस उसका काम इम्पोर्टेंट है और मेरा काम, मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज वर्ड्स इज घर संभालना और आकाश का ध्यान रखना, बस। पर ऐसा कब तक चलेगा? प्रिया, तुम्हें उससे खुलकर बात करनी होगी, वरना तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही टॉर्चर करते जाओगे। मेंटली टॉर्चर करता था आदित्य, बहुत रुलाता था प्रिया को, मारपीट करता था, दिमागी टॉर्चर। घर और ऑफिस के तनाव के बीच प्रिया पिसती जा रही थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश भी की थी प्रिया को कि बेटा जॉब छोड़ दो, घर संभालो। आदित्य को घर चलाने की जिम्मेदारी निभाने दो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत जिद्दी थी प्रिया, और हमारा आदित्य भी। वो एक कदम चलेगा ना मम्मी, मैं 4 कदम चलूंगी। लेकिन नहीं, उसका ईगो है ना इतना बड़ा। बेटा मर्द को थोड़ा सा। पापा प्लीज, ये मर्द का ईगो, मर्द का सम्मान, ये सब मत सुनाइए अभी प्लीज। बेटा तू थोड़े टाइम के लिए ब्रेक क्यों नहीं लेती? ब्रेक मत, जॉब छोड़ दूं? क्यों छोड़ूं मैं अपना जॉब? मेरी सैलरी उसकी सैलरी से ज्यादा है, ये क्या मेरा फॉल्ट है? अरे हम दोनों तो एक कंपनी में काम भी नहीं करते कि उसे ऐसा फील हो। सब जानती हूँ बेटा, लेकिन उसे तकलीफ हो रही है तो। तकलीफ तकलीफ कुछ नहीं है मम्मी, वो बस मुझे निशाना बनाना चाहता है, हर वक्त जताना चाहता है कि हमेशा मैं ही गलत हूँ, गलती मेरी ही है, और मैं हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ। गॉड नोज व्हाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू गलत है, लेकिन उसका ईगो थोड़ा हर्ट हुआ है। कम से कम आकाश के बारे में तो सोच ले। मम्मी, आकाश जितना मेरा है उतना उसका भी है, और उसका ईगो संभालने के लिए मैं अपना जॉब नहीं छोड़ूंगी। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। होमवर्क करा दो उसका। टाइम नहीं है मेरे पास, कल मेरा ये प्रेजेंटेशन है, रात भर जागना होगा, और आकाश कर तो रहा है अपना होमवर्क ढंग से। लेकिन तुम हेल्प कर दोगे तो थोड़ा और बेटर करेगा। अगर तुम्हें लगता है आकाश को हेल्प की जरूरत है, गो एंड हेल्प एंड स्टॉप इट। मुझे टॉन्ट मारना बंद करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आदित्य? क्यों ऐसे बिहेव करते हो? हाँ, तुम आकाश को मेरे पेरेंट्स के घर ड्रॉप करने जाते हो, वहां से पिकअप करने जाते हो, लेकिन उनसे एक हेलो बोलना नहीं होता ना तुमसे। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तो मुझ तक रखो, मेरे पेरेंट्स तक मत लेकर जाओ। कल से एक दूध का लोटा लेकर जाता हूँ, जैसे सामने आएंगे उनके चरण धोकर दूध पी लूंगा, ठीक है? अरे काम होता है काम मेरे पास, इसीलिए घर के अंदर जाकर हाय हेलो नमस्ते नहीं करता, उनका इंसल्ट करने के लिए नहीं। तुम्हें सब मजाक लगता है ना, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है कि तुम बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाते। जब मैंने कहा था मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तब कहा था मुझे अलग रहना है, इंडिपेंडेंट, तब सोचा था मेरे पेरेंट्स कितने हर्ट हुए रहेंगे। और आज भी तुम मेरे पेरेंट्स की एक भी बात सुनती हो? नेवर। अब करो शांति से अपना काम में। हाँ, रिपोर्ट आ गई है, और आपका थर्ड पार्टी एंगल शायद इसलिए फिट नहीं हो रहा है क्योंकि क्राइम में कोई तीसरा आदमी था ही नहीं। हाँ, फॉरेंसिक एविडेंसेस से तो ऐसा ही लग रहा है। उस फ्लैट में 2 ही लोग थे, और क्राइम सीन से जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसमें 2 ही लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। एक है प्रिया राव और दूसरा है आदित्य राव। बालकनी की रेलिंग, प्रिया का मर्डर करने में इस्तेमाल हुआ छुरा, कैरोसिन कैन, नाइफ स्टैंड, टेबल, हर चीज पर आदित्य के उंगलियों के निशान हैं, और आदित्य के हाथ में जो भी ब्लड लगा हुआ था वो प्रिया का था। मतलब एक मौत मर्डर है, ये तो कंफर्म है। और दूसरा मम्मी, आप आज रात आकाश को अपने पास रख लेंगी? मुझे कुछ काम है। काम? नहीं, उस दिन तो कोई एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर नहीं था प्रिया पर। लेकिन उसने अपनी माँ से कहा था कि उसे कुछ काम था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, बल्कि उस दिन तो वो ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। उस दिन वो आदित्य के साथ बैठकर उनके सारे इश्यूज डिस्कस करने वाली थी। प्रिया ने कहा था ऐसा आपसे? हाँ, तू कहती थी ना बैठकर बात करो, बैठकर बात करो। आज करूंगी मैं। वो मान गया? ऑन द वे बात छेड़ूंगी एंड होपफुली कन्विंस कर लूंगी उसे बात करने के लिए। वेरी गुड। और प्रिया प्लीज कामली बात करना। हाँ, आई एम श्योर बात करने से ना तुम दोनों का रिश्ता और बेटर होगा। बेटर होना पड़ेगा संध्या, हमारे झगड़ों का असर अब आकाश पर पड़ने लगा है, एंड आई कांट लेट दैट हैपन। ये खोलो और अब खत्म करना ही पड़ेगा। मैं एक्चुअली एक गुड न्यूज़ का वेट कर रही थी अगले दिन, पर जो न्यूज़ आई, क्या से क्या हो गया सर? हमें आज आकाश को पिक नहीं करना है, वो मम्मी के वहाँ ही रहेगा आज। क्यों? कल स्कूल नहीं है? है, मैं उसे सुबह पिक कर लूंगी। मैंने जानबूझ कर रखा है उसे आज के लिए वहाँ पे। कोई पार्टी वार्टी ऑफिस की? आदित्य, मैं सोच रही थी कि हम दोनों शांति से बैठकर बात करें हमारे इश्यूज के बारे में। तो सारा आर्ग्यूमेंट सफाइयाँ भी पहले से प्लान करके रखी होंगी। तुम्हें नहीं लगता एक तरफा सा हो जाएगा कंपटीशन? अब बस हो गया ना, ये एक दूसरे से कम्पीट करना छोड़ देते हैं और बैठकर हर मसला डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस लाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। प्लीज सो कैसे करेंगे नई शुरुआत? कितनी बार सॉरी बोलना मुझे, कि अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारी तो कोई गलती होती नहीं ना, सारे जमाने की जड़ में ही। देखो आदित्य, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स टेबल पर रखेंगे, ईगोज नहीं। टेबल पर तो ईगो मेरा ही होगा, राइट? क्योंकि मेरा ईगो ही प्रॉब्लम। क्या गिले शिकवे, ऐसे वर्ड्स तो आजकल कोई उर्दू सीरियल में भी इस्तेमाल नहीं करता, गिले शिकवे। ओके फाइन, तो तुम ही कोई सही वर्ड्स चूज कर लो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरी तो हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम होती है। वाई एवरी टाइम, हर वक्त मुझे स्पॉटलाइट में लाना जरूरी है क्या? तुम ये आदित्य, तुम्हारा ईगो, तुम ये, तुम वो, तुम तो कुछ करते नहीं ना, तुम तो हमेशा विक्टिम बनी रहती हो। तुम्हें अच्छा लगता है अपने आप को विक्टिम दिखाने में, तुम्हें मजा आता है। विक्टिम तुम बनते हो आदित्य, हमेशा जताते रहते हो, और मुझे लगता है अब तो बिलीव करने लगे हो अंदर से कि तुम विक्टिम हो। लुक आदित्य, मैं दिल से कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ तुम कितने कैपेबल हो, और जितना तुम चाहते हो ना उतना मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें प्रमोशन मिले, तुम्हें हैंडसम सैलरी रेज मिले। ओह हाउ स्वीट। एक काम करते हैं, एक सर्टिफिकेट बनवाओगे तो मुझे, कॉन्सोलेशन सर्टिफिकेट, और थमा दो मेरे हाथों में। मुझे पता है ये भी मुझे नीचा दिखाने का तुम्हारा एक तरीका है। फॉर गॉड सेक आदित्य प्लीज, आई एम रियली ट्राइंग हार्ड हियर। क्या तुम मुझसे नॉर्मली बात करने की कोशिश तक नहीं कर सकते? आई एम योर वाइफ डैम इट, कोई कंपेटिटर नहीं हूं जो हमेशा लड़ते रहते हो मुझसे। लड़ता मैं नहीं हूं प्रिया, लड़ती तुम हो, क्योंकि तुम मुझसे 40,000 रुपए ज्यादा कमाती हो, इसलिए दिन रात सबके सामने मेरा इंसल्ट करती घूमती हो। आकाश के सामने, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने, मेरे मम्मी पापा के सामने, सबके सामने दिन रात मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहती हो। अरे क्या मैं नहीं जानता मेरी जिम्मेदारी क्या है? अगर जानते हो तो पूरी क्यों नहीं करते? सारी जिम्मेदारियां बस मेरे लिए हैं क्या? मैं तो रेगुलरली तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल भी करती हूँ, और तुम मेरे मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी कंसर्न नहीं दिखा सकते? अरे नहीं दिखा सकता मैं कंसर्न, क्योंकि मैं हूं, मैं तुम नहीं हूं। मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूं, मुझे दिखावा करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दिखावा नहीं कर सकता। ठीक है, करती हूं मैं दिखावा, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है आदित्य। मैं हर चीज में तुमसे बेटर हूं, तुमसे आगे हूं, अपनी जॉब में, घर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में। और तुम्हारे पास अपनी जेलसी और अपने स्टूपिड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अलावा कुछ है भी दिखाने के लिए जो दिखाओगे, और इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो आदित्य। अरे अगर अपनी जॉब से इतने नाखुश हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? नई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हें कोई और जॉब मिलेगी नहीं। तुम्हें ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आदित्य। तुम्हें बस जिंदगी भर खुद पर तरस खाना है, खुद को विक्टिम बना के घूमना है, और अपने हर फेलियर के लिए मुझे ब्लेम करना है। बस अपने इस बचपने से बाहर निकलो और रियलिटी में आओ, और अपने हर फेलियर के लिए अपनी बीवी को ब्लेम करना बंद करो फॉर गॉड सेक। यू नो व्हाट द ट्रूथ इज, तुम ना ही एक अच्छे हस्बैंड बन सके और ना ही एक अच्छे फादर। अरे एक बार सोचो, तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा तुमसे, क्या इज्जत करेगा तुम्हारी, जब तुम खुद अपनी बीवी की इज्जत करना नहीं जानते। मर्द बनो आदित्य, बी अ मैन। हम उन दोनों को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाए, और अब हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि आदित्य ने इतना भयंकर कदम उठाया कि You're a loser. That's what you are. मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम ऑफिस में जाके करते क्या हो, जॉब करते हो या पता नहीं वहां भी क्रिबिंग करते हो औरतों की तरह। ये क्या कर रहे हो आदित्य? What do you think you're doing? आदित्य चाकू वापस रखो। आदित्य listen to me, calm down। आदित्य प्लीज put the knife back। आदित्य हम बैठ के बात करेंगे, सब कुछ सुलझा देंगे। आदित्य प्लीज don't be mad। आदित्य what do you think you're doing? आदित्य लेकिन ये गिरा कैसे? अरे कोई प्रिया को बुलाओ जल्दी। अब दोनों बॉडीज को उनकी फैमिलीज को हैंडओवर कर सकते हैं। हम बहुत जल्द चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। हम लोगों ने एफआईआर आईपीसी 302 के तहत फाइल की आदित्य राव के खिलाफ अपनी बीवी प्रिया राव के मर्डर के लिए, पर चूंकि अक्यूज ने सुसाइड किया था हम लोगों ने एबेटेड चार्जशीट फाइल की। हमारे पास लिखित में कबूलनामा तो था नहीं, पर अक्यूज और विक्टिम दोनों के पेरेंट्स के स्टेटमेंट है, उनके बेटे का स्टेटमेंट था, पड़ोसी और उनके साथ काम करने वाले कलीग्स के स्टेटमेंट है। सबका यही कहना था कि दोनों के बीच का रिश्ता काफी खींचा हुआ था और हमारे पास फॉरेंसिक एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग थे। वैसे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल केस नजर आता है, लेकिन रहा नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ वो दो ऐसे लोगों के बीच में हुआ जो जिंदा ही नहीं थे। सब कुछ इंटरनल। हाँ, उनके प्रॉब्लम्स, उनके बीच का तनाव और वहां हुए वारदात के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर एक्चुअल क्या हुआ था ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। सर, ऐसे केसेस काफी इमोशनल ड्रेनिंग होते होंगे। कभी कभी हमें ऐसे माँ बाप के साथ डील करना होता है जिन्हें भनक तक नहीं होती ऐसे भयानक अंत की, फिर भी रोते हैं कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है। मुश्किल होता है मासूम बच्चों से स्टेटमेंट लेना जिनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई हो, पर उस वक्त हमें एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर का रोल निभाना पड़ता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टरी, क्योंकि एक जुर्म हुआ होता है और अपने इमोशन को काबू में रखना होता है। बिल्कुल, हमेशा रखना होता है, खासकर ड्यूटी करते वक्त। पर चार्जशीट फाइल करने के बाद या केस क्लोज करने के बाद अक्सर दिल में यह ख्याल आता है, काश ऐसे सारे केसेस में फैमिलीज ने वक्त पे कुछ किया होता जिससे आपसी टेंशन इस हद तक नहीं बढ़ता, जुर्म का साया पड़ने से पहले ही टेंशन को रोका गया होता। हर चीज का एक अंत होता है या उसका अंत कराया जा सकता है, तो फिर एक रिश्ते के बीच के तनाव का, दर्द का अंत क्यों नहीं किया जाता? कोई भी मौत किसी ना किसी को दर्द देती है, लेकिन इस तरह जिंदगियों का बेवक्त खात्मा असंतुष्टि का एक नया सिलसिला शुरू करता है, जो उतनी ही असंतुष्टि पैदा करते हैं जितनी असंतुष्टि वो रिश्ते जीवित अवस्था में पैदा कर रहे थे। सड़ने से बेहतर है इलाज करवाना। किसी भी रिश्ते को इस हद तक ना सड़ने दें कि वो बेइलाज होकर हमें ही नष्ट कर दे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।